आजकल आप सभी की छुट्टियां चल रही है। हाँ दोस्तों, अभी आप सभी की छुट्टियां चल रही है। आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन छुट्टियों में पढ़ाई कैसे करें या हम छुट्टियों के समय पढ़ाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, आप सभी के मन में बार बार आता होगा। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी छुट्टियां होंगी तब हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये विचार आपके मन में नहीं, सभी के मन में आते हैं। मेरे मन में भी आते थे जब मैं स्कूल जाता था। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल जाता था मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो मैं संडे का वेट करता था बहुत ज्यादा कि संडे आए ताकि मैं रिवाइज कर पाऊं, ताकि मैं खूब सारा पढ़ पाऊं। और यकीन मानिए, मैं जितना सोचता था उसका मैं 20% भी नहीं पढ़ पाता था। हाँ दोस्तों, 20% भी मैं नहीं पढ़ पाता था। उसके बहुत सारे रीजंस थे। आज मैं आपको उन्हीं रीजंस के बारे में बताने वाला हूँ, उन्हीं कारणों के बारे में बताने वाला हूँ जिस वजह से हम छुट्टी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और इन छुट्टियों में पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, अपने सिलेबस को कवर कर पाएं, जो हमने सोचा है उसका अपेक्षा अनुरूप परिणाम लेकर के आ पाएं। हाँ दोस्तों, जो हमने सोचा है उसको एग्जीक्यूट कर पाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका APN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा छुट्टियों के दिनों में पढ़ाई कैसे करें या छुट्टियों के दिनों में पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। सबसे बड़ी बात जान लीजिए दोस्तों, छुट्टियों में हम गलती क्या करते हैं कि हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं। जिसकी 2 घंटे पढ़ने की एबिलिटी नहीं होती है, जिसकी 2 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता है, वह यह सोचता है कि जब छुट्टियां आएंगी तो मैं 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों मैं पढ़ झपकते ही कवर कर लूंगा। ये आपकी दोस्तों बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत ही होता है। आप जो सोचे रहते हैं वो कभी नहीं होता आपके साथ। उन छुट्टियों में आप वैसे पढ़ नहीं पाते हैं। कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे अपने समय को यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप छुट्टियों के बारे में सोचें तो अपने ऊपर बहुत दबाव ना बनाएं। कहने का मतलब यह है कि आप यह ना सोचें कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा। पहले तो यह मत सोचिए, आराम से रहिए, छुट्टियों को तरह लीजिए, इंजॉय भी करिए, पढ़िए भी, लेकिन दोस्तों एक टाइम फ्रेम में एक टाइम बना लीजिए कि मैं छुट्टियों के समय इतना पढ़ाई करूंगा। मैं 3 घंटे ही पढ़ूंगा लेकिन मैं छुट्टियों में डेली पढ़ूंगा। कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने 10 घंटे 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया और मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं तो पूरे दिन मैं निराश हूं कि मैं छुट्टियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब देखिए, टॉपर बच्चे क्या करते हैं, इन छुट्टियों का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम छुट्टियों में तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए गए होते हैं, हमें जो चैप्टर्स स्टार्ट नहीं होते उनको हम कैसे पढ़ें। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मैथमेटिक्स का कोई सवाल लगा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको वो चैप्टर आपके टीचर नहीं पढ़ाया, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, आप एग्जांपल के क्वेश्चंस को देखिए। हाँ दोस्तों, आप एग्जांपल के क्वेश्चंस को देखिए और उसको लगाइए, एग्जांपल के क्वेश्चंस को देख करके आप सॉल्व करिए और देखिए कि वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कहां पर है। वैसा क्वेश्चन सर्च करिए, उस बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाते जाइए और उस पे जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड है उनको सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि ज्यादा अंतर आपके अंदर नहीं होगा, उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, सर आपने मैथ्स के बारे में बताया, और सब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो देखिए, और सब्जेक्ट के बारे में छुट्टियों के समय आप क्या करिए, पहले तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको आप कवर करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 3 चैप्टर ही पढ़ाया गया, आप आपकी स्टार्टिंग में जो छुट्टियां होती है उसमें आपका सिलेबस कम ही कवर किया जाता है। हाँ, बाकी आपको जो एंड में मिलती हैं छुट्टियां, जो दोस्तों आपको बाद में छुट्टी मिलती है उसमें सिलेबस लगभग कवर कर लिया जाता है। तो बिल्कुल पहले जितना स्कूल में पढ़ा दिया गया है, जितना आपके यहाँ पढ़ा चुके इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया गया है, उसको कवर करने का प्रयास करिए, उसमें परफेक्शन हासिल करिए कि हाँ मैं उतना तो कम से कम प्रिपेयर कर लूँ। इसके बाद जब न्यू चैप्टर को स्टार्ट करिए तो न्यू चैप्टर के लिए आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोज देख सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक को खुद से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद एनालाइज करिए मुझे कहां प्रॉब्लम हो रही है, जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है अपने कोचिंग में जाकर के अपने ट्यूटर से पूछिए बिल्कुल। और अगर वो भी आपके साथ बंद है तो आपके साथ आपके सबसे अच्छा माध्यम आपके पास नेट है, इंटरनेट पर उस टॉपिक को सर्च करिए और उस टॉपिक को एडवांस में पढ़ने की कोशिश करिए। इससे फायदा क्या होगा, जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप बहुत आगे होंगे कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो यह वेट कर रहे होंगे कि मेरा स्कूल खुलेगा, मेरी कोचिंग खुलेगी, तब मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। आप करिए
देखिए क्या छुट्टियों के समय, देखिए दोस्तों आपको हर चीज करनी चाहिए। छुट्टियां आपको इसलिए प्रदान की जाती है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए, हाँ आप स्टडी से भी जुड़े रहें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, महीना दो महीना की छुट्टी होती है दोस्तों, वो छोड़ देते हैं, एकदम नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जब वो स्कूल खुलता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो छुट्टियों के समय एक सबसे अच्छा एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके पास पूरा का पूरा समय है, 24 घंटे आप अपने घर पर हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं रहता है, बिल्कुल दोस्तों आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको कोचिंग भी नहीं जाना है। तो अपने आप की एबिलिटी आप बनाइए कि 2-3 घंटे मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे ही पढ़ूंगा, रेगुलर मैं स्टार्ट करूंगा और पूरी छुट्टी भर उसको फॉलो करूंगा। इसका एडवांटेज जब आपको स्कूल खुलेगा तब आपको पता लगेगा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, इन छुट्टियों में मैंने यही सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे मैं काम कर पाऊंगा, ये आप जरूर सीख लोगे। अब बात आती है पढ़ने में मन कैसे लगाएं। तो देखिए दोस्तों पढ़ने में मन किसी का भी लगता नहीं है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान को आप कहेंगे पढ़ने के लिए तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो उत्साह के साथ पढ़ेंगे, जो बहुत खुशी के साथ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर मैं पढ़ लेता हूं तो इसका एडवांटेज क्या है। अब देखिए जैसे आप सिलेबस आपने पहले कुछ कवर कर लिया, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा क्या कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो आपको उस सिलेबस, आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो दोस्तों इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो अपनी बिगिनिंग जीरो से करेंगे। बिल्कुल कंपैरिजन टू उन बच्चों के आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बिल्कुल आपको स्टार्ट करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। अब बात आती है पढ़ें कैसे। तो देखिए दोस्तों पढ़ने के लिए छुट्टियों में एक अपना स्पेशल टाइम टेबल बनाइए। कहने का मतलब अगर आपके पास 7 डेज इन अ वीक है तो आप 5 दिन नए टॉपिक्स पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए। रिवीजन में आप कौन सा वो करिए, जो आपको स्कूल में पहले पढ़ा दिया गया है उनको रिवाइज करिए और जो नए टॉपिक्स पे आपने सीखा है ज्यादा नहीं उस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको रिवाइज करिए, उसको पढ़ते रहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आपको जहां पर है वहीं सोचिए, छुट्टियों में कम से कम एक स्थान सुनिश्चित करिए जहां से आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप वहीं पर बैठे रहें। बैठने की एबिलिटी पहले अंदर बनाइए, पहले अपने अंदर आदत बनाइए कि मैं बैठ पाऊं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 15 मिनट पढ़ता हूं, 20 मिनट पढ़ता हूं, मेरा मन भटक जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों सबके साथ ऐसा होगा, धीमे धीमे आई आदत आपकी बनेगी। आपको करना क्या, सबसे पहले 1 घंटे लगाइए, वॉच देखिए मैं बैठ पा रहा हूं 1 घंटे, इसको चेक करिए। कम से कम इस एबिलिटी को जब आप बढ़ाएंगे तो आप अपने आप किताब की तरफ आकर्षित होंगे, किताब की तरफ आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ें तो बिल्कुल किसी चीज पर ध्यान ना दें, केवल अपने टेबल पर अपनी बुक्स को ही देखें, उसी में लगे रहिए, उसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर सोचने की बात नहीं है। और बिल्कुल छुट्टियां आपको एक एडवांटेज देती है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप उन बच्चों को देखिए जो अपने सिलेबस को लगभग आधा कवर कर लेते हैं छुट्टियों में। बिल्कुल दोस्तों वो करते क्या है कि वो किसी के भरोसे नहीं होते, वो स्कूल के भरोसे नहीं है, वो कोचिंग के भरोसे नहीं है, वो अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा ही इतना नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं कि जब स्कूल में उनको चीजें पढ़ाई जाती है तो वो बहुत आसानी से उन चीजों का जवाब दे पाते हैं, जो बच्चे और बच्चे सोचते रह जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये सोचना है, छुट्टियों में अपेक्षा से अनुरूप दबाव मत लीजिए, बहुत ज्यादा आप लोग दबाव ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। नॉर्मल रहिए, जितना आप पढ़ पाए उतना ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर आप पढ़ें। कहने का मतलब आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ें। और पढ़ने में मन दोस्तों आपका, जब आपको सवाल आने लगेगा, जब आप पढ़ने लगोगे तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा, आपके अंदर जिज्ञासा आएगी कि मैं ये भी जान लूं, वो भी जान लूं। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, पहले प्लानिंग कर लीजिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की किया, उसको कंप्लीट किया, फिर अगले दिन की प्लानिंग, फिर उसको कंप्लीट किया। इस तरह से देखेंगे आप कि आपका जो वीकली आपने प्लानिंग करी होगी वो दोस्तों आप वो पूरा कवर कर लोगे। केवल आपने डेली की प्लानिंग करी, इस वजह से आप पूरे वीकली प्लान को कवर कर लोगे। तो ये बहुत दोस्तों ये कारगर टिप्स थी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मेरी इस वीडियो पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन करके मुझे बताइएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज को कमेंट करिए, जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम है, हमको आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप पे। और मैं आपको बता दूं, हमारे दोस्तों हमारे चैनल द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला जा रहा है जिसमें आपको सभी चीजें बताई जाएंगी, क्या आपको करना है अगर आपको करियर प्रॉब्लम हो रही है करियर काउंसलिंग में, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे हम। आपको दोस्तों व्हाट्सएप लिंक दे दी जाएगी, इस पर आप जाकर के दोस्तों इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। तो मिलेंगे दोस्तों अपने।